नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम HPU की नई अपडेट के बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे। तो आज की जो मुख्य खबर है वो है HPU शिमला UG प्रथम वर्ष की उत्तर पुस्तिकाओं का ऑनलाइन मूल्यांकन करवाएगा। तो मतलब कि जो आपकी परीक्षाएँ ऑनलाइन होगी, चेक जो आपके पेपर चेक होंगे वो ऑनलाइन होंगे। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय फिर से UG कोर्स की एक कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का ऑनलाइन मूल्यांकन करवाने की तैयारी में है। शैक्षणिक स्तर 2022-23 में प्रथम वर्ष के रहे खराब परिणाम पर ऑन स्क्रीन मूल्यांकन पर भी सवाल उठे थे। हालांकि जांच के बाद VV ने दावा किया था कि मूल्यांकन की यह प्रक्रिया सही है। अब मार्च 2023 में प्रस्तावित UG डिग्री कोर्स की वार्षिक परीक्षाओं में प्रथम वर्ष की उत्तर पुस्तिकाओं का ऑन स्क्रीन मूल्यांकन करवाने की तैयारी चल रही है। इस मामले पर VV में होने वाले प्रशासनिक फेरबदल के बाद अंतिम निर्णय होना तय है। पूर्व कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार के समय में VV का कंपनी के साथ करार हुआ है। शर्त के अनुसार VV को एक वर्ष में 3,00,000 उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग कर इनका ऑन स्क्रीन मूल्यांकन करवाना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे अभी फिलहाल जो फर्स्ट ईयर का जो बैच था उनके जो पेपर हुए ऑनलाइन चेक, वैसे ही अब जो अभी नया बैच आ रहा है फर्स्ट ईयर वालों का, उनके 2023 में इसी तरह से मूल्यांकन होगा। दूसरा तीसरा अपडेट भी मैं आपको बता दूं कि जो आधी उनके पास छात्रों की संख्या आधी रह चुकी है, क्योंकि जो नया विश्वविद्यालय बना है यहाँ पर सरदार पटेल विश्वविद्यालय, उन आधा आधा इन्होंने काम बांट दिया है। तो इससे उनके पास छात्रों की संख्या 48,000 से कम होकर 24,000-28,000 तक ही रह चुकी, इसलिए 2-3 कक्षाओं को इसमें ऐड कर सकते हैं। और जो एक नया अपडेट है कि उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन पर 57 रुपये आता है खर्च, मतलब एक पे 57 रुपये खर्च आता है। तो मतलब ये काफ़ी इनके पास थोड़ा सस्ता होता है, इसलिए इसको ये प्रेफर कर रहे हैं। HPU रिलेटेड वीडियो के लिए सब्सक्राइब माय चैनल।